जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे चाटा लग जाए कि मुझे ट्रेंडिंग पर है खबर सीमा हैदर को लेकर। लिल्लाह मोहम्मदिन रसूल अल्लाह, ये कलमा है। बातें भी गाली गलौच भी की जा रही है मुझे पाकिस्तान से, जहाँ से मैं आई हूँ, जो मेरे करते हैं वैसे मैं इनसे बात करती हूँ। इससे कहता है सचिन को जेल भेज दो, सीमा को जेल भेज दो, इनको अलग कर। कि पाकिस्तान से आई है सीमा हैदर और एक नाम दिया गया कि पबजी वाला प्यार जो है एक नाम दिया गया, और आज उन्हीं के साथ हम लोग मौजूद हैं। तमाम बातचीत करेंगे और पहले इनके तमाम इंटरव्यूज आपने देख लिए होंगे, पर कहानी में कुछ ट्विस्ट जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसे राज खुल रहे हैं, कहा जाए कि जो कहानी में एक अनसुनी कहानी बता रहे हैं। सीमा हैदर जी हमारे साथ मौजूद हैं और सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करूंगी पहले कि आपने तो आपके तमाम इंटरव्यूज देख लिए, जनता पसंद भी कर रही है और जनता जो है अपना प्यार भी दिखा रही है, पर सबसे पहले जो इस वक्त ट्विस्ट ये बन रहा है वो ट्विस्ट ये है कि आपको धमकियां तक आ रही हैं, ऐसा कुछ है, इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या किस प्रकार की धमकियाँ जो है वो मिल रही हैं इस वक्त? ऐसा तो पहले कभी तक पाकिस्तान से जान से मारने की भी अलग अलग गलत बातें भी गाली गलौच भी की जा रही है मुझे पाकिस्तान से, जहाँ से मैं आई हूँ, जो मेरा देश रहा है, बहुत बुरे तरीके से मुझे कहा जा रहा है, गाली गलौच बदतमीजी से पेश आए जा रहे हैं। तो उनको कहूँगी थैंक यू, क्योंकि तुम लोग समझ नहीं सकते मेरे मन की बात। और मैं एक और बात कहूँगी मैम, ये आपने पूछा नहीं, मैं अपने मन से कह रही हूँ कि मैंने सुबह यूट्यूब चलाया तो बहुत लोग इस बात को पकड़ के कह रहे हैं कि सीमा मुसलमान है ही नहीं, इसको कलमा ही नहीं आ रहा, ये भारत के मुसलमान कह रहे हैं, मुझे गाली गलौच वो भी कर रही थी। हाँ, एक सवाल ये बन रहा है क्योंकि इस्लाम के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। मैम मुझे सब कुछ पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान के बारे, कुरान तो मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, आयतों के बारे में मुझे सब पता है, पर मैं हिंदू धर्म में आई थी तो मैं इसलिए पढ़ना नहीं चाहती थी। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको कलमा पढ़ के सुनाऊँ, और ताकि जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे चाटा लग जाए कि मुझे